हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीट यूजी पेपर लीक की, जो केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसी की सुनवाई में कि क्या अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंस टीटी ऑफ नीट यूजी 2024 हैज बीन इफेक्टेड, वी नीड आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि जो एग्जाम आपका हुआ है नीट यूजी, वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं हुआ है, वो संदेह के दायरे में आता है, इसीलिए आपको इसका जवाब देना होगा। एनटीए का रिस्पांस, जो एनटीए काउंसिल थी उसके जवाब में, ठीक है। अब इस केस में क्या क्या हुआ ये मैं आपको समझाता हूँ। नेशनल जो नीट यूजी के जो पेपर के लीक के जो सुनवाई हुई थी, उसकी सुनवाई में जो जज थे, जिसका नाम था विक्रम नाथ और एमनुल्ला, ये दो जज थे, उन्होंने इसकी सुनवाई की, ठीक है। और मैटर को जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो दिया है, उन्होंने जो डेट दिया है वो 8 जुलाई का डेट दिया है। कितने जुलाई का डेट दिया दोस्तों? 8 जुलाई का डेट दिया है कि 8 जुलाई तक के आप जो है ये जो इसको जो है जवाब आप देना होगा, यानी एनटीए को आपका जवाब देना होगा। 8 जुलाई का समय दिया गया कि एनटीए को जवाब देना होगा, ठीक है। और जस्टिस अमुन्ना ने काउंसिल से पूछा है कि आपको कितना समय चाहिए इसको जवाब देने के लिए। तो एनटीए की तरफ से जो काउंसिल थे, उन्होंने ये कहा कि हमें थोड़ा समय चाहिए, और उस समय के आधार पर उनको जो समय दिया है कि आप जो है 8 जुलाई को की जो पिटीशन को लिस्टेड कर दिया गया, अब 8 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी रेगुलर बेंच में, ठीक है। और उसके बाद ये जो एडवोकेट थे मैथ्यू जे नेदुरम पर, ठीक है, पिटिशनर जो थे, उन्होंने काउंसलिंग पे स्टे लगाने के लिए कहा था। जो स्टूडेंट की तरफ से जो लॉयर थे, जिनका नाम है यहाँ पर मैथ्यूज करके नाम है, इनका पूरा नाम नेडुम पाड़ा है, ठीक है, जे नेडुम पाड़ा, उन्होंने अपीयर किया था कि पिटिशनर की जो पेपर लीक हुई है, तो इसकी जब तक सुनवाई होती है तब तक आप कम से कम काउंसलिंग पर रोक लगा दीजिए। लेकिन जज ने कहा कि लेट द काउंसलिंग स्टार्ट, वी आर नॉट स्टॉपिंग द काउंसलिंग। जस्टिस नाथ ने ओरली कहा है कि अगर एक बार काउंसलिंग स्टार्ट हो गई तो हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। और बेंच ने रिफ्यूज ऐसा कह दिया, ऐसा करने के लिए इशू नोटिस एंड मीन टाइम रिस्पॉन्स विल बी फाइल्ड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेस ऑब्जर्व इन द ऑर्डर, ठीक है। ये जो है डायरी नंबर ये सब हो गई है, ठीक है। अब पिटिशनर शिवांगी मिश्रा और 9 अदर जो है एक जून बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये जो 1 जून की जो पिटिशन फाइल की गई थी उसी की सुनवाई किया गया था। ये जो डायरी नंबर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर है 256/56/2024 है, इसी की सुनवाई करते हुए इन्होंने जवाब दिया था, ठीक है। तो यानी कि काउंसलिंग पे कोई भी जो स्टे नहीं लगाया गया है और एग्जाम जो है वो फेयर नहीं हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, ठीक है। अब एनटीए इस पे क्या जवाब देती है दोस्तों, ये देखने वाली बात है। बाकी कई और सारे कई केस है जो अभी फाइल की गई है ग्रेस मार्क से रिगार्डिंग, नीट पेपर जो लीक के रिगार्डिंग भी नई केसेस फाइल की गई है, जैसे अलाक पांडे सर ने किया है, एनवी सर ने किया है और कई सारे लोगों ने किया है। तो उन सब की सुनवाई में क्या अपडेट आती है, कई सारे स्टेट के हाईकोर्ट में भी सब केस फाइल किया गया है, तो ये केसेस बहुत जोरदार तरीके से होने वाली है। जो भी अपडेट आप सबके लिए आएगा मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।